इस शब्द को जरा ठीक से और गौर से देखिए। मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूं। हिंदी में इसे अंग्रेजी बोलते हैं। शब्द के नीचे एक रेड एरो मार्क दिया हुआ है और यह शब्द अपने आप में एक काव्य है, इतिहास है। इस शब्द को देखने के बाद, इस पर गौर करने के बाद, कोई भी पारखी समझदार आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में समझा देगा कि अंग्रेजी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बहुत कवियों ने, लेखकों ने कविताएं लिखकर, कहानियां लिखकर हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये शब्द उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखता है जिनके लिए मदिरा पान या मधुशाला में जाना रूटीन बना हुआ है, जो आनंद की प्राप्ति उनको इस शब्द को देखने के बाद होती है वो शायद नॉर्मल इंसान को नहीं होती। इसलिए कवि हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिख डाला। मैं उनकी एक दो पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। आगे बढ़ते हैं। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पुर निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। इसी सीरीज में बहुत सारी बातें लिखी हैं हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला को लेकर, बहुत सारे उसकी इंटरप्रिटेशंस किए हैं। और उस संबे से एक और इंटरप्रिटेशन बहुत ही मायने रखता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है, मदिराले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो मित्रों, ये शब्द जो आपने अभी अभी देखा है और इस पे मधुशाला की मैंने कुछ पंक्तियां बताई हैं, इस शब्द का मैंने अनुवाद करने के लिए बहुत सारे अपने मित्रों को जो अनुवादक हैं डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में भेजा। हिंदी से अंग्रेजी में भी अनुवाद करने वाले लोग मिले, फ्रेंच में भी करने वाले लोग मिले, स्पेनिश में भी मिले, जर्मन में भी मिले, पोर्तुगीज में भी मिले, डच में भी मिले, रशियन में भी मिले, चाइनीज में भी मिले, जापानी में भी मिले और भारतीय भाषाओं में भी बहुत सारे लोग मिले। लेकिन किन्हीं के पास एग्जैक्ट इक्विवेलेंस नहीं था। एक शब्द जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं उसमें किसी ने कहा वाइन शॉप, किसी ने कहा मधुशाला, किसी ने कहा मदिरालय, किसी ने कहा उना तियंदा दे विनोस, स्पेनिश में बोलते हैं इसको। लेकिन जो कोनोटेशन इन्वॉल्व है इस सिंबॉलिक शब्द के साथ, वो एरो मार्क का, इसको एक भारतीय हिंदी भाषी, खासकर वो जिसको मदिरालय से प्यार है, वही एक्सप्लेन कर सकता है। तो मेरा यही मानना है दोस्तों कि अंग्रेज जब भारत आए और भारत में अंग्रेजी शराब इंट्रोड्यूस किया,
तब वो भूल गए कि इस अंग्रेजी शराब का इंग्लिश में क्या इक्विवेलेंट होगा। और जो रिचनेस अंग्रेजी में आना चाहिए था, हिंदी के नए शब्दों को उसी रूप में इंट्रोड्यूस करने के लिए अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, वो नहीं कर पाए। मतलब भारत की जो भाषा है हिंदी, और उसका जो कल्चर है और उसके जो कल्चरल कोनोटेशंस उसके साथ इन्वॉल्व हैं, उसको अगर हम ट्रांसलेट करने लगे तो शायद ही सिमेंटिक इक्विवेलेंस निकलता है लिंग्विस्टिक टर्म्स में। एक जर्मन फिलोसोफर हैं जिन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दिए, उन्होंने अनुवाद पर भी एक थ्योरी दिया, स्लाई महा नाम है उनका। उन्होंने कहा कि जब ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें लेखक के पास खुद जाना चाहिए, ट्रांसलेटर को और अनुवादक को, और लेखक की नजर से देखते हुए उसका एडेप्टेशन करना चाहिए। तो एडेप्टेशन का मतलब यह नहीं होता कि हम ट्रांसलेट कर दें, इक्विवेलेंट निकाल दें, उसमें हिस्टोरिकल कल्चरल स्पेस खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक सजेशन दिया कि अपने लैंग्वेज में जो दूसरी भाषाएं हैं, जो दूसरे भाषाओं के इंपॉर्टेंट ऐसे शब्द हैं जिसका कोई इक्विवेलेंस नहीं निकल सकता, उसको हमें एडॉप्ट कर लेना चाहिए। और ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज को इनरिच किया गया। फ्रांसीसी लोगों ने भी बहुत सारी भाषाओं के शब्द को अपने फ्रेंच लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया, इंग्लिश को भी माना, जर्मन को भी माना, डच को भी माना, और जो भी पॉसिबल इवन अफ्रीका से बहुत सारे शब्द को फ्रेंच में डाला गया, और फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो इनरिच हुआ। वैसे ही जर्मन भी बहुत इनरिच हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिशर्स, जिसको हम अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेजी मत बोल, नहीं बोलिएगा उनको, जिसको हम अंग्रेज बोलते हैं अपनी भाषा में, उन्होंने मिस कर दिया एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। उनकी अंग्रेजी और भी मजबूत हो सकती थी अगर उन्होंने हिंदी के ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को हूबहू अपने वोकैबुलरी में ऐड कर लिया होता। तो मैं उनके इस हिजमेनिक थॉट प्रोसेस, कॉलोनियल थॉट प्रोसेस, अपने आप को इंपोज करने वाले थॉट प्रोसेस से तो मैं डिसएग्री करता ही हूं। लेकिन जो कल्चरल फ्यूजन और भाषा का फ्यूजन होना चाहिए था, जो कि वो कर सकते थे और उनको ही फायदा होता, उनकी अंग्रेजी और मजबूत होती, बड़ी होती, वो नहीं कर पाए। मैं इसके लिए बोलता हूं मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज। लेकिन दूसरी बात और भी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक और भी है कि इस अंग्रेजी शब्द को देख के, उसका एरो देख के, जो मदिरालय के तरफ हमें ले जाता है, वहां जाने के बाद हमें यह पता चलता है कि वो मदिरा है तो देशी ही, बनाया गया है भारत में ही, लेकिन उसको अभी भी हम अंग्रेजी बोल के पी जाते हैं। और उस अंग्रेजी बोल के पीने के बाद आपने नोटिस किया होगा, जो दारू पीने के बाद, जो शराब पीने के बाद जो नशा और खुमार चढ़ता है हमारे भारतीय लोगों पे, उसमें अंग्रेजियत आ जाती है। दारू पीने के बाद लोग हिंदी छोड़ देते हैं, अंग्रेजी बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी दारू पी थी, बट इन रियलिटी वो देसी था। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा सोचिए कि अंग्रेजों ने अपने वोकैबुलरी में इस अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस नहीं किया, जो कि करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं, दुनिया के हर कॉर्नर में जितनी भाषाएं हैं उसमें होनी चाहिए, बिकॉज इसका एक कोनोटेशन ट्रांसलेटेबल नहीं है, हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अनुवाद नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड, हम भारतीय अभी भी देसी पीकर इस गुमान में रहते हैं कि हमने अंग्रेजी पी है। मेरे मित्रों,
आज के लिए इतना ही काफी है, इस पर सोचिएगा और अपना जरूर कमेंट दीजिए, विचार दीजिए। आपका विचार मुझे प्रेरित करेगा कुछ ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और मेरे इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपसे मैं फिर रूबरू होऊंगा दोबारा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने विचार जरूर दें नीचे वाले कमेंट बॉक्स में। आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।